नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर में। एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं GK और GS के सेक्शन को कवर कर रही हूँ इस चैनल के थ्रू। तो अगर आप हमारी जो है चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है और उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स लगते हैं एज लाइक रीजनिंग, मैथ, हिंदी, GK GS, इन सारी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन हम अपने चैनल के थ्रू करवाते हैं। तो अगर आप न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की जो वीडियो होने वाली है, ये वीडियो आपकी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज जो है हम 2021 और 22 में जो भी अवार्ड्स, मेजर अवार्ड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हम उन पर बात करेंगे। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, जो कि इन्फॉर्मेशन है GK से रिलेटेड। हमारे चैनल ने आपके लिए तैयार किया हुआ है 5001 लाइनर क्वेश्चन की सीरीज, जो कि मतलब आपके लिए, अगर आपकी GK बहुत अच्छी है तो आपका एक क्विक रिविज़न हो सकता है, एंड अगर आप GK में थोड़े से वीक हैं तो आपकी उस वीकनेस को भी ये दूर कर सकता है, क्योंकि इसमें इतने जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उन्हें हमने वन लाइनर में सबमिट करने की कोशिश की है। और अगर हम बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस टोटली 49 रुपीज़ है। इसमें प्लस 6 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है एंड ये बुक आपको 55 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो अगर आप इस बुक के लिए इंटरेस्टेड है तो अभी जाइए और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसे परचेस कर सकते हैं। क्योंकि 55 रुपीज़ में अगर आपको 5001 लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज़ मिल रही है तो आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रॉफिट की बात है। तो आप जाइए और वहाँ से अपने GK GS की प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ में। एंड आज की वीडियो के लिए हमने आपको बताया कि आज की वीडियो में हम अलग अलग पुरस्कारों को कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप इसके स्क्रीन पर फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है, फर्स्ट पॉइंट में आपसे पूछा जा रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के बारे में बात करते हैं। पहले पॉइंट में हम किसकी बात करेंगे? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की बात करते हैं। अगर हम बात करें कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो अंग्रेज़ी भाषा में किसको दिया गया, तो याद रखिए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेज़ी भाषा में दिया गया है नमिता गोखले को। किसको दिया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेज़ी भाषा में दिया गया है नमिता गोखले को। और उनके किस नॉवल के लिए दिया गया है? थिंग्स टू लीव बिहाइंड। किसके लिए दिया गया है? थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए दिया गया है। हिंदी भाषा में अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा में दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को। किसको दिया गया है? दया प्रकाश सिन्हा को। कौन से नाटक के लिए दिया गया है? सम्राट अशोक नाटक के लिए दिया गया है। पंजाबी में किसको दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार? खालिद हुसैन को दिया गया है। और उनकी कौन सी कहानी के संग्रह के लिए दिया गया है? सुलाम द सालड़ के लिए दिया गया है। और अगर हम बात करें कि संस्कृत में किसको मिला है, तो संस्कृत में मिला है विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र को। और उनकी कविता कौन सी थी? श्रीजति शंखनादम किल थी। मेजरली मैं आपको बताऊं तो एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज पूछी जाती है। कभी पूछ लिया जाता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में किसको दिया गया, तो याद रखिएगा नमिता गोखले को। और अगर आपसे हिंदी भाषा में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा दया प्रकाश सिन्हा को। और उनके कौन से नाटक सम्राट अशोक के लिए दिया गया है। बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है 63वां ग्रैमी पुरस्कार 2021। अगर मैं बात करूं ग्रैमी पुरस्कार की, तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पुट अप कर लेता है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो भी आप याद रखिए कि जो ग्रैमी पुरस्कार होता है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अब हम बात करेंगे 63वें ग्रैमी पुरस्कार 2021 के बारे में। एल्बम ऑफ द ईयर, अगर हम कह लें कि 2021 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार में किसे दिया गया, तो फोकलार को दिया गया है, टेलर स्विफ्ट के द्वारा दिया गया है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर की अगर हम बात करें तो वो किसको मिला है, एवरीथिंग आई वॉन्टेड के लिए। एवरीथिंग आई वॉन्टेड किसके द्वारा दिया गया है, बिलीली इलिश के द्वारा दिया गया है। फिर हम बात करें सॉन्ग ऑफ द ईयर, मतलब ग्रैमी पुरस्कार में सॉन्ग ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया है, आई कांट ब्रीथ के लिए दिया गया है, वो भी किसके द्वारा, डेर्नेस्ट इमाइल और टियारा थॉर्मस को। मतलब कि किसको किसको मिला है, डेर्नेस्ट इमाइल को मिला है और टियारा थॉर्मस को मिला है। और किस सॉन्ग के लिए मिला है, आई कांट ब्रीथ के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ रैप सॉन्ग की अगर हम बात करें तो सैवेज रैप सॉन्ग को मिला है, उसमें किसके किसके द्वारा दिया गया था इस सैवेज रैप को, बियॉन्से, सॉन कार्टर और ब्रिटनी द्वारा दिया गया था। मतलब कि इस रैप को तैयार किया गया था बियॉन्से, सॉन कार्टर और ब्रिटनी के द्वारा। तो इस सर्वोच्च रैप सॉन्ग को क्या मिला है, सर्वश्रेष्ठ रैप सॉन्ग दिया गया है। अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ देश गीत, सर्वश्रेष्ठ देश गीत की बात करें तो जो ग्रैमी पुरस्कार 2021 है उसमें सर्वश्रेष्ठ देश गीत किसको मिला है, ऑल द गुड टाइम्स नाम के एक सॉन्ग को। ऑल द गुड टाइम्स नाम के एक सॉन्ग को क्या मिला है, सर्वश्रेष्ठ देश गीत के पुरस्कार से नवाजा
गया है। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला पुरस्कार कौन सा है। तो आप देख सकते हैं कि अगला पुरस्कार है 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021। हमने इस वीडियो में ऐसे ऐसे सेक्शंस को कवर किया है, ऐसे ऐसे पुरस्कार के क्षेत्रों को कवर किया है जो ज़्यादातर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हमने पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 कवर किया, फिर हमने ग्रैमी पुरस्कार कवर किया, और अब बारी है 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 की। देख लेते हैं ऑस्कर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, नोमैड लैंड को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है, नोमैड लैंड को मिला है। और अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला है, क्लो झाओ को मिला है। क्लो झाओ को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। और कौन सी फिल्म के लिए मिला है, तो फिल्म कौन सी थी, नोमैड लैंड, जिनमें कि उन्होंने सर्वश्रेष्ठ निर्देशन निभाया था। उसके बाद बात कर रहा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे, एंथोनी हॉपकिंस को। एंथोनी हॉपकिंस को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, कौन से फिल्म के लिए मिला है, द फादर के लिए मिला है। द फादर के लिए एंथोनी हॉपकिंस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, वो भी 93वें ऑस्कर पुरस्कार में। और उसके बाद बात करें अगर हम बेस्ट एक्ट्रेसेस की, तो बेस्ट एक्ट्रेसेस का अवार्ड मिला है फ्रांसिस मैकडोरमंड को मिला है बेस्ट एक्ट्रेसेस का अवार्ड। और कौन सी फिल्म के लिए मिला है, तो फिल्म है आपकी नोमैड लैंड। यानी आप देख सकते हैं कि जो इस बार का 93वां ऑस्कर पुरस्कार था उसमें सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र कौन सा रहा था, नोमैड लैंड फिल्म, उसे ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक भी किसको मिला, क्लो झाओ को मिला, जिन्होंने निर्देशन किस में किया था, नोमैड लैंड फिल्म में किया था। बेस्ट एक्ट्रेसेस का अवार्ड किसको मिला है, फ्रांसिस मैकडोरमंड को, जो किस फिल्म में काम की थी, नोमैड लैंड में काम की थी। और आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता याद रखना है एंथोनी हॉपकिंस, किस फिल्म में काम किया था इन्होंने, द फादर फिल्म के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चौथा पुरस्कार कौन सा है। तो देखिए चौथा पुरस्कार आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथे पुरस्कार में हम बात करेंगे पद्म पुरस्कार 2022 की। अगर हम बात करें पद्म पुरस्कार 2022 की, तो 26 जनवरी 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। इसमें 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में आपसे कोई नाम नहीं पूछेगा पुरस्कार का, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ऐसे पुटअप कर लेगा कि पद्म पुरस्कार 2022 में कितने लोगों को पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया था, कितने लोगों को पद्म विभूषण से आ गया था, आपको ऑप्शन दे देंगे। तो आपको याद रखना है कि पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला था, 4 लोगों को मिला है। पद्म भूषण किसको मिला है, 17 व्यक्तियों को। और पद्मश्री किसको मिला है, 107 व्यक्तियों को मिला है। और कब दिया, मतलब कब इसकी घोषणा की गई है, 26 जनवरी 2022 को। किसके द्वारा, तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। और टोटल कितने व्यक्तियों को ये चीज़ मिली है, तो 128 व्यक्तियों को मिला है। अब हम बात करेंगे कि पद्म विभूषण किन 4 व्यक्तियों को मिला हुआ है। तो देखिए पहला अगर हम बात करें, तो पहला इन्हें कला के क्षेत्र में मिला है, किनको मिला है, सुश्री प्रभा अत्रे को। किसको मिला है, सुश्री प्रभा अत्रे को, जो कि कहाँ की रहने वाली है, महाराष्ट्र की निवासी हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पटक करे कि सुश्री प्रभा अत्रे को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है, तो आप टिक लगाएंगे कला के क्षेत्र में इनको दिया गया। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है आपके सामने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किसको मिला है, तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है श्री राधेश्याम खेमका को। श्री राधेश्याम खेमका को मिला है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और याद रखिए कि इन्हें जो है मरणोपरांत ये पुरस्कार से नवाजा गया है। जनरल विपिन रावत, हाल ही में आप जानते हैं कि जनरल विपिन रावत जो है शहीद हो गए थे एक दुर्घटना में, तो जनरल विपिन रावत को सिविल सेवा के क्षेत्र में मिला है, और वो भी मरणोपरांत मिला है। और श्री कल्याण सिंह, इनको पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में मिला है उत्तर प्रदेश से, जो कि कहाँ से, जो कि किस चीज़ के लिए, मरणोपरांत इनको मिला है। इनको भी देखिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो पद्म विभूषण है वो 4 व्यक्तियों को मिला है, उसमें से सिर्फ एक ऐसी महिला है जो कि क्या है,
मतलब कि जीवित हैं और तीन लोग क्या है मरणोपरांत हैं। तो क्वेश्चन ऐसा भी आपसे पुटअप कर सकता है एग्जाम में कि जो पद्म विभूषण है जिन चार व्यक्तियों को मिला है बताइए कि इनमें से कौन जो है किनको जीवित है उनको जो है ये पद्म विभूषण से नवाजा गया है। तो आप आंसर याद रखिएगा सुश्री प्रभा अत्रे को और साथ ही साथ उसके साथ याद रखिए कि श्री राधे श्याम खेमका, जनरल विपिन रावत और श्री कल्याण सिंह इन तीनों को मरणोपरांत मिला है। श्री राधे श्याम खेमका को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, जनरल विपिन रावत को जिनको कि अभी अभी के टाइम में अगर हम बात करें तो हमारे देश का बच्चा बच्चा जानता है इनको, जनरल विपिन रावत को सिविल सेवा के क्षेत्र में मिला है और श्री कल्याण सिंह को मरणोपरांत मिला हुआ है। अगर अब हम बात करें पद्म भूषण की, जो कि हमने आपको बताया कि टोटल 17 व्यक्तियों को मिला था, उसमें से मैं तीन चार आपको इम्पॉर्टेंट बता दूं तो श्री गुलाम नबी आज़ाद, श्री गुलाम नबी आज़ाद को किसमें मिला है, पब्लिक अफेयर जम्मू कश्मीर से श्री गुलाम नबी आज़ाद को नवाजा गया है। श्री विक्टर बनर्जी को जो कि कला के क्षेत्र में मिला है इनको, सुश्री गुरमीत बाबा को मिला है इनको मरणोपरांत मिला है वो भी कला के क्षेत्र में, और श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जिनको पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में मिला है। तो देखिए हमने आपको मेजरली बता दिया पद्म भूषण जो कि चार लोगों को मिला है, नहीं पद्म भूषण 17 व्यक्तियों को मिला है, पद्म विभूषण चार व्यक्तियों को मिला है। तो इस तरीके से जो जो इम्पॉर्टेंट नाम थे वो सारी चीज़ें हमने कवर कर दी। बाकी टोटल आप याद रखिएगा टोटल कितने लोगों को इस बार का पद्म पुरस्कार मिला है, 128 लोगों को मिला है। कब मिला है, 26 जनवरी 2022 को मिला है। किसके द्वारा दिया गया है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसकी घोषणा की हुई है। अब हम बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। ज्ञानपीठ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये वो भी आप याद रखिए कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2021 में 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, किसको दिया गया था, कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को दिया गया था। यानी 2021 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो किसको दिया गया था, दामोदर मौजो को दिया गया था, जो कहाँ के उपन्यासकार, कोंकणी उपन्यासकार है, कोंकण भाषा में ये अपनी साहित्य की रचना करते हैं। 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में किसको मिला था, असमिया कवि जो कि असम की जो कवि हैं, क्या नाम है उनका, नीलमणि फुकन जूनियर, नीलमणि फुकन जूनियर इनका नाम है, ये असम के एक कवि हैं, इनको 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, कोंकणी भाषा में जो उपन्यासकार है दामोदर मौजो को मिला था। इसके बाद हम देखते हैं अगला पुरस्कार, अगला पुरस्कार आपका है व्यास सम्मान जो कि साहित्य के ही क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बात करें कि 2021 का व्यास सम्मान किसको मिला है, तो 2021 का व्यास सम्मान असगर वजाहत को मिला है। किसको मिला है, 2021 का व्यास सम्मान असगर वजाहत को मिला है। उनकी कौन सी नाटक के लिए मिला है, नाटक उनका है महाबली के लिए मिला है। और अगर हम 2020 वाले की बात करें तो 2020 में किसको मिला था, शरद पगारे को मिला था। किस उपन्यास के लिए मिला था, पाटलिपुत्र उपन्यास, पाटलिपुत्र के साम्राज्ञी, ये टोटल इनका इसका नाम था इस उपन्यास का, पाटलिपुत्र के साम्राज्ञी के लिए शरद पगारे को 2020 का व्यास सम्मान मिला था। और इस बार 2021 का व्यास सम्मान किसको मिला है, असगर वजाहत को मिला है उनके नाटक महाबली के लिए। अब हम आगे बात करते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2022। ये जो अवार्ड है ये भी हमारे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2022 के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दी गई है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है किसको का अवार्ड किसको मिला है, शेरशाह मूवी को मिला है। और फिल्म ऑफ द ईयर, मतलब देखिए दो अलग अलग चीज़ों को इंक्लूड करके बताने की कोशिश की गई है, जो बेस्ट फिल्म थी वो किसको मिली है, शेरशाह को मिली है, और फिल्म ऑफ द ईयर किसको मिला है, पुष्पा द राइस को। तो एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हमने आपको पढ़ाया दो अलग अलग चीज़ें कौन कौन सी, एक है बेस्ट फिल्म, बेस्ट फिल्म किसको मिली है, शेरशाह मूवी को जो कि विक्रम बत्रा के ऊपर बनी है, और फिल्म ऑफ द ईयर 2022 अगर पूछेगा तो पुष्पा द राइस को मिला है। अगला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, रणवीर सिंह, रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। कौन सी फिल्म उनकी फिल्म आई थी, 83 आई थी। और अगर हम बात करें बेस्ट एक्ट्रेसेस की, तो बेस्ट एक्ट्रेसेस को अवार्ड मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार में कृति सेनन को मिला है। उनकी किस फिल्म के लिए मिला है, मिमी फिल्म के लिए मिला है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी।
बढ़ते हैं अपने अगले पुरस्कार की तरफ। अगला पुरस्कार है बुकर पुरस्कार, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो 2021 का बुकर पुरस्कार किसको मिला है? डेमन गलगुट को मिला है। डेमन गलगुट को 2021 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। और ये कहाँ के हैं? ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। इनके किस उपन्यास के मिला है? द प्रॉमिस नामक उपन्यास के लिए इस बार का 2021 का बुकर पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। वहीं पर अगर हम बात करें कि 2020 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था, तो 2020 का बुकर पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट को दिया गया था। 2020 का बुकर पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट को दिया गया था। कहाँ के निवासी हैं? स्कॉटलैंड के निवासी हैं। उपन्यास इनका क्या है? शगी बेन इनका उपन्यास है। और इनको बुकर पुरस्कार दिया गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिए बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 2021 में दिया गया डेविड डियोप को। 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया डेविड डियोप को। उपन्यास उनकी कौन सी थी? एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। और 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था? मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को दिया गया। कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया था? द डिसकम्फर्ट ऑफ इवनिंग। अब देखिए, हमने यहाँ पर आपको बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोनों चीज़ें कवर करवाई हैं। तो एग्ज़ाम में हम कोशिश करते हैं कि आपका जो सेक्शन ऐसा होता था कि जिसको आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते थे, सेल्फ स्टडी में आप उन चीज़ों को प्रिपेयर नहीं कर पाते थे, हम उन्हीं सारे सेक्शंस को अपनी वीडियो में कवर करते हैं, ताकि एटलीस्ट अगर इन चीज़ों को पढ़ने में ऐसा होता है कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं, तो शायद आप सुन करके एक दो बार इन वीडियोज़ का रिविज़न करके आपको वो चीज़ें याद रहें और आप अपना एग्ज़ाम में 100% बेस्ट दे करके आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं पाकिस्तान के नागरिक सम्मान। कभी कभी तो यही पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान के नागरिक सम्मान का नाम क्या है, तो पाकिस्तान के नागरिक सम्मान का नाम है हिलाल ए पाकिस्तान। इस बार का पाकिस्तान के नागरिक सम्मान किसको मिला हुआ था? बिल गेट्स को मिला था। बिल गेट्स को पाकिस्तान के नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से नवाजा गया था। फिर है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21, तो वो भी आप याद रखिए, किसको मिला था? संदीप बख्शी को मिला था। आगे है कि 18वां स्वर्गीय माधव राय लिमये पुरस्कार 2020-21, तो 18वां स्वर्गीय माधव राय लिमये पुरस्कार 2020-21 को किसको मिला था? नितिन गडकरी को मिला था। फिर है डीएक्स 2021 पुरस्कार, जो कि किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा दिया जाता है। तो डीएक्स 2021 पुरस्कार किसको दिया गया? कर्नाटका बैंक को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार गणतंत्र दिवस 2022, तो सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार गणतंत्र दिवस 2022 जो है वो किसको दिया गया है? उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? विनोद शर्मा को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। और आगे अगर हम बात करें जेनेसिस उत्पत्ति प्राइस 2022 किसको दिया गया है? डॉक्टर अल्बर्ट बोर्ला को दिया गया है, जो कि सीईओ फाइजर है। ठीक है, फाइजर के सीईओ हैं। क्या मिला इनको? जेनेसिस उत्पत्ति प्राइस 2022 से नवाजा गया है। आगे देखते हैं टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2021। टाइम मैगजीन हर साल जो है पर्सन ऑफ द ईयर सेलेक्ट करती है, तो 2021 में टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना था? एलन मस्क को चुना था, जो कि इस टाइम पर पूरे वर्ल्ड में आप कह लीजिए सबसे करोड़पति हैं। मतलब कि एलन मस्क जो है स्पेस एक्स के सीईओ भी हैं, और इस टाइम पर एलन मस्क को टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2021 से नवाजा गया है। फिर अगर हम बात करें मिस यूनिवर्स 2021 की, तो 2021 के मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? हरनाज सिंधु, जो कि भारत की बनी हुई थी, और इस चीज़ पर हमारे भारत देश को फक्र है, जो कि मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब हरनाज सिंधु ने जीता हुआ था। फिर है रामानुजन पुरस्कार 2021, तो रामानुजन पुरस्कार 2021 किसको दिया गया था? नीना गुप्ता को दिया गया था। आगे है डॉक्टर ईडा एस स्कडर ओरेशन अवार्ड 2021, तो डॉक्टर ईडा एस स्कडर ओरेशन अवार्ड 2021 किसको दिया गया है? अजीज प्रेम जी को दिया गया है। फिर है यंग जियो स्पैटियल साइंटिस्ट पुरस्कार। यंग जियो स्पैटियल साइंटिस्ट पुरस्कार किसको नवाजा गया है? रुपेश गोयल को नवाजा गया है। और इसके आगे दिया गया है BWF पुरुष खिलाड़ी ऑफ द अवार्ड विक्टर एक्स लसन डेनमार्क को BWF पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। और वहीं पर अगर हम बात करें कि BWF महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर के अवार्ड से किसको नवाजा गया है, तो ताई
ताइजू यिंग चीनी ताइपे जो है उनको जो है ताइजू यिंग को BWF महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर के से नवाजा गया है। तो आज की वीडियो आप देख सकते हैं, मिस यूनिवर्स हो गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, ऑस्कर पुरस्कार हो गया, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड हो गया, या फिर आपका बुकर पुरस्कार हो गया, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हो गया। हमने उन सारी चीज़ों को अपनी एक वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि इन सारी चीज़ों को आप एक बार अपनी नोट से मेंशन करिएगा और उसको जब भी आप पढ़ने बैठिए तो एक बार इसको क्विक रिविज़न करिए। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन इससे होगा क्या कि जिस टाइम पर आप एग्ज़ाम में जाएंगे उस टाइम पर आपको ये नाम जब सामने दिखेंगे तो आप तुरंत कहेंगे कि ये पुरस्कार किसको मिला था, इस व्यक्ति को मिला हुआ था। साथ ही साथ अगर आपको इस तरीके से चीज़ें लर्न नहीं हो रही हैं तो एक दो बार आपको जो चीज़ें लर्न नहीं होती हैं उनको आप वीडियो के थ्रू उन चीज़ों को 2 से 3 बार देखेंगे तो वो चीज़ें आपको बहुत ही इजीली लर्न हो जाएंगी। तब तक अपने आप सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू रखिए। नेक्स्ट वीडियो को हमारे लास्ट वीडियो को आपने जैसा सपोर्ट किया था, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी वैसे ही सपोर्ट करिएगा। एंड हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने हमारे चैनल पर ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाते रहिए। थैंक यू।